हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यू स्पोर्ट मैच रिव्यू। और इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ओलंपिक्स वुमेन के सेमीफाइनल मैच जो कि खेला जाएगा बिटवीन ब्राजील वुमेन और स्पेन वुमेन के बीच में। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको देंगे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन और आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और पिक्स स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी हेल्प लेकर आप अपनी टीम बना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको एक कॉन्टेस्ट खेलना है तो ये कॉन्टेस्ट आप फैंटेसी अखाड़ा पर खेल सकते हैं, बिकॉज फैंटेसी अखाड़ा आपको देता है लोएस्ट कमीशन का ऑफर। लोएस्ट कमीशन होने की वजह से दोस्तों आपको एंट्री फीस काफ़ी कम लगती है। लो एंट्री फीस होने की वजह से आपकी सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज होती हैं सभी नॉन मेगा कॉन्टेस्ट के लिए, जिन्हें आप फ्यूचर के मैचेस में अच्छे से यूटिलाइज करके विन कर सकते हैं। सो जाइए फैंटेसी अखाड़ा ऐप पर चेकआउट करिए, काफ़ी सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं फैंटेसी अखाड़ा पर। जैसे अगस्त में कमीशन कार्निवल का ऑफर चल रहा है, जहां पर अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2.5K करेंगे पर मैच तो आपको कमीशन कैशबैक मिलेगा। 50% कमीशन कैशबैक मिलेगा अगर आपने 120 मैचेस का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, 30% मिलेगा अगर 90 मैचेस का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ये ऑफर है। इस ऑफर के बारे में और डिटेल जानने के लिए फैंटेसी अखाड़ा ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर कॉन्टेस्ट खेलिए और बाकी सारे फीचर से भी फायदा उठाइए। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। आइए दोस्तों, हम लोग सीधे चलते हैं देखने अपना बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन इस मैच का। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गोलकीपिंग सेक्शन से। सो गोलकीपर हमने लोरेना को लिया है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कीपर होंगी। ये बहुत ही क्लोज मैच हो सकता है, लास्ट मैच एक्सपेक्टेड नहीं था ब्राजील जीतेगी, फ्रांस वुमेन को हरा के। लोरेना ने उस मैच में पेनल्टी भी सेव की थी, अच्छी कीपर है, अभी तक इनका टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा है, आपकी टीम के लिए मस्ट हैव होनी चाहिए। वैसे आप स्पेन के भी कीपर को ले सकते हैं कैटलिना कोल, जिन्होंने लास्ट मैच में पेनल्टी शूट आउट में अपनी टीम के लिए पेनल्टीज बचाई थी। स्पेन कोलंबिया से 2-0 पीछे हो गई थी और उसके बाद उन्होंने 2-2 से कम बैक किया और पेनल्टीज जीते ब्राजील, जबकि 1-0 से जीत के आ रही है। स्पेन की थोड़ी सी एनर्जी ड्रेन हुई है, दैट्स व्हाई हम लोग ब्राजील को कम नहीं आ गएंगे। वर्ल्ड चैंपियन स्पेन है, बट ब्राजील हमें पता है फुटबॉल में कितनी अच्छी टीम है, इसलिए हम लोग उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे। और डिफेंस सेक्शन में इसलिए हमने मिक्स सॉर्ट ऑफ डिफेंस दिया, ऑलगा बैटल को हमने लिया है, डेफिनेटली आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, रियल मैड्रिड के लिए खेलती, बहुत ही अच्छी अटैकिंग फुलबैक है। ब्राजील से हमने टेरिसन लीमा और यस्मीम को लिया है, यस्मीम एक विंग बैक रोल में खेलेंगी, आपको बहुत ही अच्छा अटैकिंग थ्रेट देती हैं। लीमा के डिफेंसिव पॉइंट्स काफी ज्यादा अच्छे थे, अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्पैनिश डिफेंडर लेना है तो आप लीमा को ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज यस्मीम का आपको थोड़ा अटैकिंग और थोड़ा डिफेंसिव थ्रेट दोनों मिलेगा। एंड लीमा की जगह आप ओला कारमोना या अलेक्जेंड्रिया जैसे प्लेयर को कंसिडर कर सकते हैं। नाउ हम लोग अपने मिडफील्ड सेक्शन देखने चलते हैं, मगर मिडफील्ड सेक्शन देखने से पहले हम आपको बता दें कि व्यू स्पोर्ट ने लॉन्च किया एनुअल पास, आपको पूरे साल की क्रिकेट और फुटबॉल के AI जनरेटेड टीम्स मिलेगी एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। आपको इन डिस्काउंटेड प्राइसेस दिख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, और अगर आपको मंथली पैक लेना है तो उसका भी ऑफर अवेलेबल है। केवल यही नहीं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आप मल्टी डे पैक भी ले सकते हैं, 1 डे 3 डे या 7 डे का पैक, हर तरीके के पैक्स आपके लिए अवेलेबल है। जाइए व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसे ही बाकी सारे इनसाइट्स जानने के लिए और प्लेयर बैटल्स और प्लेयर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों हम लोग अपना मिडफील्ड सेक्शन देखने चलते हैं। सो मिडफील्ड सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने स्पैनिश हैवी गए हैं। सबसे पहले हमें नंबर 1 पिक होंगे आइटाना बॉनमटी, नंबर 2 पिक होंगी अलेक्सिया पुतेयास और नंबर 3 पिक होंगी टेरेसा अबेलेरा। तीन की तीनों ही इंपॉर्टेंट पिक है, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की बेसिकली हमने पूरी मिडफील्ड ली है। आइटाना बॉनमटी का थोड़ा सा एवरेज टूर्नामेंट जा रहा है उनके क्राइटेरिया के ऊपर, जैसे कि उनकी परफॉर्मेंसेज हैं उनके लेवल्स के हिसाब से थोड़ा सा एवरेज टूर्नामेंट जा रहा है। लास्ट मैच में उन्होंने पेनल्टी स्कोर जरूर की थी इन दी पेनल्टी शूट आउट, बट हमें पता है बॉनमटी और विनर है, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, बार्सिलोना की वन ऑफ द मेन टैलिस्मैन है एंड प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स हैं फीमेल डिवीजन में इस समय, कभी भी हर्ट कर सकती हैं ब्राजील को। सो आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, गोल स्कोरिंग थ्रेट ये देंगी। एंड अलेक्सिया पुतेयास जो कि फॉर्मर बार्सिलोना की एक्स बैलेंडी और विनर है, इनका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा, इनका टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है, गोल्स असिस्ट चांसेस क्रिएशन हर तरीके से आपको पॉइंट देंगे। टेरेसा अबेलेरा ये रियल मैड्रिड के लिए खेलती है वुमेन्स में, इनका भी टूर्नामेंट डिसेंट जा रहा है, आपको अच्छे टैकल इंटरसेप्शन के पॉइंट देंगी, सेट पीसेस थोड़े बहुत ही शेयर करती हैं, सो आपको अच्छे सेट पीसेस से चांस क्रिएशन के नंबर्स मिल सकते हैं। एंड बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर का रोल खेलेंगे, सो गोल थ्रेट भी काफी मिलेगा। ब्राजील से हमने गैब्रियल पोत्रिलियो को लिया है, जिन्होंने लास्ट मैच में गोल स्कोर किया था, काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज इनके टूर्नामेंट में रही है, आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक साबित होंगे। अगर आपको डिफेंसिव माइंडेड मिडफील्डर चाहिए ब्राजील से तो आप डूडा सम्पायो कंसिडर कर सकते हैं, बट वो जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं। फॉरवर्ड सेक्शन की अगर हम बात करें तो मारे कार्डांटे और सालमा सेलेस्ते पारालुएलो को हमने लिया है, दोनों इंपॉर्टेंट होंगी, स्पेन मोस्ट लाइकली इस मैच में गोल स्कोर करेगी, सो इन दोनों का हैवी इन्वॉल्वमेंट उस मैच में हो सकता है। गैब्रियल नूनेस को हमने लिया है, नाउ गैब्रियल नूनेस का टूर्नामेंट बहुत अच्छा नहीं जा रहा है ब्राजील के लिए, बट ब्राजील को जिन बड़े मैचेस में नीड होती है सो गैब्रियल नूनेस डेफिनेटली उसमें स्टेप अप करती हैं, दैट्स हमने लिया। अगर आपको इन्हें नहीं लेना है, इनकी जगह एक एक्स्ट्रा स्पैनिश डिफेंडर लेना है जैसे बैटल के साथ कारमोना,
अलेक्जेंड्रिया ऐसे प्लेयर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको लगता है ब्राजील इस मैच में स्कोर नहीं कर पाएगी। एक बात यह है कि मार्टा इस मैच में सस्पेंडेड है, मार्टा नहीं खेलेंगे, उन्हें रेड कार्ड मिला था लास्ट ग्रुप मैच, उन्हें दो मैच का बैन मिला है, सो ये भी थोड़ा सा लॉस हो सकता है ब्राजील के लिए। कैप्टनसी हमने बॉनमट्टी को दी है, वाइस कैप्टनसी पुतेयस को दी है, बिकॉज बॉनमट्टी मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर हो सकती है इस मैच में स्पेन के लिए, एंड पुतेयस मोस्ट लाइकली असिस्ट प्रोवाइडर या गोल कंट्रीब्यूटर हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फैंटेसी प्रीव्यू फॉर द ओलंपिक वुमेन सेमीफाइनल मैच बिटवीन ब्राजील वुमेन एंड स्पेन वुमेन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा। हम आपसे मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच। थैंक यू।